हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अंधे मोड़ पर कार को कैसे चलाएं, क्योंकि बहुत से कुछ मोड़ ऐसे होते हैं वहाँ सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो सामने जो है दिखाई नहीं देता है, तो आप वहाँ पर कार को कैसे चलाएँ और किस गियर में चलाएँ और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कार चलाते हैं तो अंधे मोड़ पर जो है दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अंधे मोड़ पे आप कार को कैसे चलाएं और कार को मोड़ते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और जो है किस गियर में आप कार को वहां पे बढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें किस गियर में कार को बढ़ाना है, और अगर कार की स्पीड तेज़ हो जा रही है तो आपको तब वहाँ पर क्या करना है, जो कि बहुत से चालक कार को चलाते हैं और मोड़ पर जो है उनकी कार तेज़ जाने लगती है, तो उसके लिए आप क्या करें कि कार वहाँ पर तेज़ ना जाए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। करते हैं तो सबसे पहले हमें क्लच दबाना है और एक पैर ब्रेक पे रखना है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है कि जब भी आप कार को स्टार्ट करेंगे हमेशा क्लच पूरा फिर ब्रेक। अब हम यहाँ से कार को स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब यहाँ से कार हो गई स्टार्ट। अब जो है हम यहाँ पे लगाते हैं वन गियर, जो कि क्लच आपको पूरा नीचे दबाना है और वन गियर बहुत आराम से लगाना है कि कार में आवाज़ ना आए गियर लगाते वक्त, ठीक है, गियर से आवाज़ ना आए। अब जो है यहाँ से हम हैंड ब्रेक को नीचे करेंगे। हैंड ब्रेक हटाने के लिए लीवर को ऊपर करना है फिर बटन दबाना है। अब हम कार को आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने के लिए केवल क्लच को हाफ तक लेके आना है, केवल हाफ पे पैर को मेंटेन रखना है। अभी धीरे धीरे यहाँ से कार हमारी बढ़ रही है, देखिए ब्रेक से पैर हटा है। अब हम यहाँ पे जो है अब आगे हमें टर्न करना है, तो आप लोग देख रहे हैं अब यहाँ पे हम क्लच दबाएंगे, पूरा फुल क्लच दबेगा और उसके बाद सेकंड गियर लगेगा और क्लच को हाथ तक लेके आएंगे, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं एक पैर क्लच पे एक पैर ब्रेक पे है। अब हम आगे जो है टर्न करने वाले हैं, तो आगे टर्न करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रियर व्यू मिरर देखना है और जो है साइड मिरर देखना है। लोग कंजेस्टेड जगह पे टर्न कर रहे हैं तो एक पैर क्लच पे एक पैर ब्रेक पे, और जो कि यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड गियर में कार है। अब यहाँ पे हमें रियर भी मिरर साइड मिरर सब कुछ देखना है और हॉर्न भी देना है। कहीं भी टर्न आप करते हैं तो आपको हॉर्न देना ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या करना है, स्टेयरिंग को होल्ड रखना है। जैसे ही कार यहाँ पर सीधी हो जाएगी तब हमें स्टेयरिंग को सीधा कर लेना होता है। जैसे अब यहाँ पर सीधी हो गई, अब हमें इसे सीधा कर लेना है, ठीक। तो जब कार सीधी हो जाए तब आपको वहाँ पे क्लच पूरा छोड़ देना है, तब आप कार को आगे बढ़ाइए। और मुड़ते वक्त क्लच हाफ में रखेंगे तो कार आपकी भागेगी नहीं। जैसे कोई और गाड़ी चला रहे हैं उसमें पिकअप पावर ज़्यादा है, तो जैसे ही कार आपकी भागने लगे तो क्लच को हल्का से नीचे ले लेंगे तो कार वहाँ पर स्लो हो जाएगी, ठीक। अब फिर आगे यहाँ पे टर्न है तो फिर हमें यहाँ से राइट मुड़ना है, तो हम यहाँ पे पहले हॉर्न देंगे और एक पैर क्लच पे एक पैर ब्रेक पे रखेंगे और इंडिकेटर देंगे, रियर व्यू मिरर और साइड मिरर, ये सब आपको हमेशा देखना है और यहाँ पे हॉर्न देना है, ठीक है। कहीं भी आप लोग अगर टर्न कर रहे हैं तो हॉर्न देना है, इंडिकेटर देना है और रियर व्यू मिरर साइड मिरर देखना है। फिर यहाँ से हमको लेफ्ट मुड़ना है तो इंडिकेटर देंगे, हॉर्न देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक पैर क्लच पे एक पैर ब्रेक पे रहेगा और यहाँ पे जितना हम स्टीयरिंग को घुमाएंगे उतना स्टीयरिंग को होल्ड रखना है, ठीक। अभी जब कार सीधी हो जाएगी तो उनको उतना स्टीयरिंग वापस ले लेना है। तो इस तरीके से आपको जो है टर्न पर कार बढ़ानी होती है कि ताकि जो है वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर कार तेज़ भाग रही है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, क्लच को हल्का नीचे ले लेना है। जैसे यहाँ से कार आ रही है, हमें यहाँ से बढ़ाना है तो वन गियर लगाएंगे। अगर कार वन पे वन गियर में भी कार को बढ़ा सकते हैं और सेकंड गियर में भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा क्लच हाफ से ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक। अब जैसे यहाँ पर कार चल रही है तो हम सेकेंड गियर डाल दिए और उसके बाद यहाँ से आराम से बढ़ते गए। तो इस तरीके से आप लोगों को कार चलाना है। मोड़ पे खास करके ये ध्यान रखना है कि क्लच हाफ और ब्रेक पे पैर रहे, फिर आप आराम से वहाँ से कार को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार हमारी थर्ड गियर में चल रही है तो जैसे ही स्पीड बढ़ती जाएगी आपको गियर लगाते जाना है, फिर स्पीड डाउन करते हैं तो गियर को डाउन करते जाना है, ठीक। तो मोड़ पर यही आपको ध्यान देना है कि हॉर्न देना है, इंडिकेटर देना है, रियर व्यू मिरर साइड मिरर देखना है और जो है केवल क्लच और ब्रेक पे पैर रखना है। अगर कार स्लो निकालना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे वन गियर लगा सकते हैं, वरना सेकंड में भी कार आपकी बढ़ जाएगी। बस वहाँ पे क्लच को आपको होल्ड रखना है, क्लच ज़्यादा नहीं छोड़ना है, और जब क्लच आप ज़्यादा छोड़ेंगे तो कार वहाँ पे आपकी जो है वहाँ पे बंद हो जाएगी, ठीक। तो पैर को होल्ड रखना होता है हाफ क्लच पे।
आप लोग समझ गए होंगे कि हमें मोड़ पे टर्न पे कैसे कार को चलानी है। तो आप लोग हमेशा सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें, और आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना साथ बनाए रखिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को हम देते रहें। हम आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।